चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम साउंड की इक्वेशन जो थी, साउंड वेव की जो ट्रैवलिंग इक्वेशन थी, हम उसको दो तरीके से सोच सकते थे। पहला कि मीडियम पार्टिकल के यू ऑसिलेट करने के कारण, सॉरी सोर्स के यू ऑसिलेट करने के कारण मीडियम पार्टिकल्स भी यू यू ऑसिलेट कर रहे थे। हमने डिटेल में उस डिस्प्लेसमेंट को देखा भी, उसकी क्या इक्वेशन बन सकते थे, उस इक्वेशन के क्या क्या इन्फ्रेंसेज निकल सकते थे, हमने सारे देखे। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, हम उसी साउंड वेव को एक तरह से और एनालाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज बाय प्रेशर। दैट इज बाय प्रेशर। कैसे? मैं आपको हल्का फुल्का समझा चुका हूं। मीडियम पार्टिकल्स के यू मूव करने के कारण कहीं कहीं किसी किसी जगह अचानक से एयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। एयर के पार्टिकल्स के यू मूव करने के कारण कभी ना कभी एयर के पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, तो डेंसिटी घट जाएगी, तो प्रेशर घट जाएगा। ये जो प्रेशर का घटना बढ़ना है, ये भी वैसे ही साइनोसोइडली वेरी करेगा जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट साइनोसोइडली वेरी कर रहा था, अगर आपका सोर्स एक सिंगल फ्रिक्वेंसी का है तो। और इस प्रेशर को लिखने वाली जो इक्वेशन होगी उसे हम प्रेशर वेव कह देंगे। ये मत सोचना कि प्रेशर वेव कोई नई तरीके की वेव है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे उसी साउंड वेव को लिखने की अलग स्टाइल है और कुछ नहीं है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज साउंड वेव एज डिस्प्लेसमेंट वेव तो देख चुके हैं, साउंड वेव एज प्रेशर वेव। साउंड वेव एज प्रेशर वेव। सुनिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास साउंड का कोई सोर्स है और बहुत ही सिंपलिस्टिक सोर्स है, जस्ट लाइक ए ट्यूनिंग फोर्क, जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। उसके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने के कारण ये जो आपके मीडियम पार्टिकल्स हैं वो भी ऑसिलेट करेंगे। जब साउंड नहीं जा रही थी तो हर जगह प्रेशर जो था वो पी एटमोस्फेरिक था। वी नो दैट कि पी एटमोस्फेरिक बड़ा सुन रखा होगा आपने, 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नहीं सुन रखा तब याद रख सकते हो कि एटमोस्फेयर प्रेशर इतना होता है अगर साउंड नहीं जा रही थी तो। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ट्यूनिंग फोर्क ने यू यू ऑसिलेट करना स्टार्ट किया तो मीडियम पार्टिकल्स भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। इसके कारण यहां से एक्स डिस्टेंस दूर यहां कहीं जो प्रेशर होगा वो पी एटमोस्फेरिक नहीं होगा, बल्कि यहां का प्रेशर होगा पी एटमोस्फेरिक प्लस समथिंग। ये जो समथिंग है इसका हम एक नाम दे रहे हैं बेटा, इसका हम एक नाम दे रहे हैं एक्सेस प्रेशर। बेटा क्या नाम दे रहे हैं? एक्सेस प्रेशर। हमने एक्सेस शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि ये पी एटमोस्फेरिक का एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है, पी एटमोस्फेरिक प्लस जो एक्स्ट्रा है उसमें एक्सेस बोल दिया, ये आपका एक्सेस प्रेशर है। अगर यहां पर आपकी कंप्रेशन पल्स आई, अगर आपकी कंप्रेशन पल्स हुई इस टाइम पर, तो बेटा आपका जो प्रेशर होगा वो पी एटमोस्फेरिक से ज्यादा होगा, तो आपका ये जो एक्सेस प्रेशर है ये पॉजिटिव होगा। अगर आपकी यहां पर किसी टाइम पर किसी एक्स पर रेयरफैक्शन पल्स हुई तो आपका जो एक्सेस प्रेशर होगा ये नेगेटिव होगा। तो किसी भी टाइम टी पर इस एक्सेस प्रेशर को आप लिख सकते हो कि एक्सेस प्रेशर इज एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस टी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फेज वही होगा जो फेज हमारे डिस्प्लेसमेंट वेव में था, हम आराम से निकाल लेंगे कैसा होगा, लेकिन लिखने के लिए आपके पास जो प्रेशर वेव की जो इक्वेशन है वो ऐसे है। तो साउंड वेव को लिखने की दो स्टाइल हो गई, एक डिस्प्लेसमेंट के तरीके से और एक ये एक्सेस प्रेशर के तरीके से। ये जो पी है ये क्या बताएगा? एक्स डिस्टेंस पर टी टाइम पर आपका जो प्रेशर है वो पी एटमोस्फेरिक प्लस समथिंग होगा, वो जो प्लस समथिंग है दैट इज अवर एक्सेस प्रेशर।
इस इक्वेशन को देखकर आपका आइडिया लग गया होगा कि साइन ऑफ समथिंग की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी माइनस वन से वन तक, तो आपका एक्सेस प्रेशर बेटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, आई होप आप समझ गए होंगे, ये वेरी करेगा माइनस पी नॉट से लेके प्लस पी नॉट तक, और कुल मिलाकर आपका जो नेट प्रेशर है वो वेरी करेगा बेटा कहां से कहां तक, पी एटमोस्फेरिक प्लस पी नॉट से लेकर पी एटमोस्फेरिक माइनस पी नॉट तक, जहां पर आपकी कंप्रेशन पल्स होगी वहां पर बेटा पी एटमोस्फेरिक प्लस पी नॉट, जहां पर आपकी रेयरफैक्शन पल्स होगी वहां पर पी एटमोस्फेरिक माइनस पी नॉट। ये जो पी है ये भी आपके पास एक तरह से इक्वेशन ऑफ साउंड वेव ही बता रही है, दिस इज टेलिंग अस इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। ये जो पी नॉट है दिस इज योर क्या बेटा, प्रेशर एम्पलीट्यूड, दिस इज अवर प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो साउंड की वेव का हम दो स्टाइल से लिख सकते हो, मीडियम पार्टिकल्स का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या फिर उन डिस्प्लेसमेंट के कारण लोकलाइज्ड रीजन्स के अंदर प्रेशर बढ़ और घट सकता है। उस प्रेशर के बढ़ने घटने वाले जो टर्म है उसका हमने नाम निकाल दिया एक्सेस प्रेशर। किसी भी टाइम टी पर वो प्रेशर के जो घटत बढ़त है उसको अगर हम एज ए फंक्शन ऑफ टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख पाते हैं तो दैट इक्वेशन इज नोन एज अवर इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन टर्म्स ऑफ प्रेशर या फिर इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर। दैट काइंड ऑफ इक्वेशन कैन ऑल्सो बी नोन एज प्रेशर वेव। ये मत सोचना कि प्रेशर वेव कोई नए टाइप की वेव है, ये सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव को लिखने की नई स्टाइल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। धीरे धीरे अपन इसको और देखेंगे, चिंता मत कीजिए। आगे चलिए बेटा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं आप लोगों से बेटा, अच्छा सा सवाल है, आराम से कीजिएगा, सुनना बेटा। सवाल ऐसा है कि किसी रीजन में बेटा एटमोस्फेरिक प्रेशर मुझे दे रखा है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उस रीजन में साउंड जा रही है, और साउंड की जो इक्वेशन है वो मुझे ऐसे दे रखी है कि पी इज इक्वल्स टू 2 N/m² साइन ऑफ 1200 T माइनस 3x प्लस पाई बाई 3। मुझे बेटा इस तरह से दे रखा है इक्वेशन ऑफ साउंड। इक्वेशन ऑफ साउंड जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके से लिख सकते थे, एक लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में और दूसरा एक्सेस प्रेशर की टर्म्स में। जो पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। फाइंड पहला प्रेशर एम्पलीट्यूड, दूसरा रीजन के अंदर मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, अगर साउंड जा रही है तो रीजन में मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, तीसरा कि रीजन में मिनिमम प्रेशर कितना होगा, ये भी बता दीजिए। आपकी जो वेव है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है वो बताइए। आप ये बताइए कि वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो बताइए। आप बताइए कि आपके पास जो वेव है उसका एंगुलर वेव नंबर कितना है। आप ये बताइए कि आपकी वेव की साउंड वेव की वेवलेंथ कितनी है। बड़ा आप ये बता दीजिए कि स्पीड ऑफ वेव या फिर बड़ा स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। इतना सा सवाल है, आराम आराम से इत्मीनान से जवाब दीजिए। सबसे पहले प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, ये रहा आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड, वो है 2 N/m². अब इसका मतलब हमारा जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो 2 N/m² है, इसका मतलब एक्सेस प्रेशर वेरी कर सकता है -2 N/m² से +2 N/m², जहां जहां रेयरफैक्शन होगा वहां पर प्रेशर जो होगा वो पी एटमोस्फेरिक से 2 N/m² नीचे जा सकता है, जहां जहां आपका कंप्रेशन पल्स होगा वहां वहां पर प्रेशर आपका पी एटमोस्फेरिक +2 N/m² जा सकता है। तुम कोई मुझसे पूछ रहा है सर रीजन में मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, बेटा मैक्सिमम प्रेशर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस 2 N/m².
सर रीजन में मिनिमम प्रेशर कितना हो सकता है? बेटा मिनिमम प्रेशर हो सकता है एटमॉस्फेरिक -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सेस प्रेशर की बेटा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, -2 से लेके 2 तक, तो एटमॉस्फेरिक तो है ही है, ये चेंज और उसके अंदर ऐड कर दो तो मैक्सिमम हो जाएगा एक्चुअल +2 न्यूटन और मिनिमम हो जाएगा एक्चुअल -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? बेटा ओमेगा पूछ रखा है मुझसे, SI यूनिट मान रहा हूं बेटा, दैट इज 1200 रेडियन पर सेकेंड। बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट कम्स आउट टू बी 600 अपॉन पाई हर्ट्स। आगे चलो बड़ा, एंगुलर वेव नंबर। बड़ा एंगुलर वेव नंबर इज ऑफ कोर्स योर के, आप लोगों को इतना तो बड़ा कंपेयर करना आई गया, के की वैल्यू आ गई है 3 रेडियन पर मीटर। बेटा मुझसे पूछ रखा है वेवलेंथ क्या होगी, बेटा कितनी बार सिखा रखा है आपको, के होता है 2π/λ, तो आपके पास लेमडा आ गया 2π/k, वेवलेंथ आ गई है 2π/3 मीटर। मुझसे वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछ रखी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को बेटा आप लेमडा इंटू एफ भी कह सकते हो, लेमडा है 2π/3, एफ कितना था बेटा 600 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, बड़ा वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई 400 मीटर पर सेकेंड। यही बड़ा वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ वेव तुम ऐसे भी लिख सकते थे ओमेगा बाई के, ओमेगा बेटा 1200 की आपका 3, 1200 अपॉन 3 कम्स आउट टू बी 400। आप बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरह से भी बड़े आराम से लिख सकते थे। तो जो भी आपकी साउंड वेव है उसको दो स्टाइल से आप लोग बेटा शीट में, DBB में, इवन HCV के अंदर या फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर साउंड की इक्वेशन को तुम दो फॉर्म में देखोगे, मीडियम पार्टिकल्स का लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट की टर्म में या फिर इस एक्सेस प्रेशर की टर्म्स में। हालांकि ये दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं, तो चलिए इनके बीच क्या रिलेशन है उसको देखते हैं, उसकी डेरिवेशन भी करते हैं, उसके डेरिवेशन के बहाने बेटा हम दो चार बातें सीखेंगे भी और आखिर में हम उसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है? तो हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। बेटा डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव के बीच में क्या रिलेशन है सुनिएगा, ये मत सोचना कि मैं कोई दो अलग अलग वेव्स को कंपेयर कर रहा हूं, मैं साउंड वेव को ही दो तरीके से लिख सकता हूं, एक तरीका है डिस्प्लेसमेंट वाले तरीके से लिखना और दूसरा तरीका है बेटा क्या प्रेशर वाले तरीके से। उन दोनों इक्वेशंस को कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए सुनिए बच्चों, ये बेटा मैंने एक साउंड का सोर्स मान लिया एंड द इजिएस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ कोर्स ट्यूनिंग फोर्क। हम लोग तो इतने आसान सोर्स हैं नहीं साउंड के, हम तो हजारों तरह की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं बेटा, कोई गाना चलाओगे अगेन वो तरह तरह की फ्रीक्वेंसी चला रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड निकालनी है तो ट्यूनिंग फोर्क निकाल लीजिए, ट्यूनिंग फोर्क एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और वो मीडियम पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है? इस ट्यूनिंग फोर्क के सामने ऑफकोर्स बेटा एयर है, मैंने स्टडी करने के लिए जानबूझ के ऐसा एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एयर कॉलम लिया। बेटा ये मत सोचना कि यहां पर एक्चुअल में कोई सिलेंडर पड़ा है, सामने एयर ही है, मैंने इमेजिन करने के लिए ऐसा एक एयर कॉलम इमेजिन कर लिया, ऐसा एयर कॉलम जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है? साउंड नहीं जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ना यहां से लेकर यहां तक की जो साउंड है उसको स्टडी करूंगा, यहां से लेकर यहां तक की जो साउंड है, सॉरी साउंड नहीं बेटा, यहां से लेकर यहां तक की जो एयर है उसको स्टडी करूंगा कि उस एयर के साथ क्या है। देखते हैं, यहां बेटा एयर पड़ी है, ठीक है, ये आपके पास एक्स डिस्टेंस दूर जो एयर है वो है और ये आपके पास एक्स प्लस डीएक्स डिस्टेंस दूर जो एयर है बेटा वो है। मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारे पास सिस्टम लिया है इस सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स सर ये वॉल्यूम है
क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, लेंथ बड़ा ऑफ कोर्स यहां से तक आपको नजर आ गया होगा dx, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है। अब क्या हुआ, अब क्या होना था बेटा कि जैसे ही आपका जो साउंड का सोर्स है उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो एक्स पे जो पार्टिकल था उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, और उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो किसी टी पर ये एक्स वाला जो पार्टिकल है या फिर एक्स वाले जो एयर है वो चलते चलते यहां पहुंच गए, ये यहां पहुंच गई, ये पहुंच गई है सामने की तरफ एस डिस्टेंस, है कि नहीं, ऐसे ऐसे तो ऑसिलेट करेंगे, और इस तरफ जो ऑसिलेट करना था उसको हम बेटा किससे लिखते थे, एस से लिखते थे, तो एक्स जिसकी पोजीशन थी उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है एस। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर अगर ये ट्यूनिंग फोर्क ऑसिलेट करेगा तो ये वाला जो एलिमेंट है ये भी थोड़ा सा तो शिफ्ट होगा ही होगा, अगर एक्स वाले का डिस्प्लेसमेंट है एस तो एक्स प्लस डीएक्स वाले का डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं एस प्लस डीएस, छोटे से x में चेंज के कारण छोटा सा s का चेंज तो आना है, इस कारण से ये वाला जो एलिमेंट है चलते चलते बेटा यहां कहीं पहुंच गया होगा, ये लो बेटा ये पहुंच गया आगे की तरफ s प्लस ds। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले हमारे पास जो सिस्टम यहां से लेकर यहां तक था अब वही सिस्टम यहां से लेकर यहां तक, मुझे लगता है कि वॉल्यूम चेंज हो गया है, मुझे लगता है कि वो जो एयर वो जो सिस्टम हम पहले कंसिडर कर रहे थे अब उसका वॉल्यूम चेंज हो गया है, और वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है जरा देखना, तो मैं आपको कह सकता हूं कि अगर ये इनिशियल वॉल्यूम था तो अब मैं फाइनल वॉल्यूम लिख सकता हूं, बड़ा देखना फाइनल वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ लिखना मुश्किल काम तो नहीं है, पहले लेंथ थी dx, अब क्या हुआ ये पीछे वाला हिस्सा आ गया है s, आगे वाला हिस्सा भी कितना चला गया s, तो लेंथ तो वापस dx हो गई, लेकिन ये वाला s नहीं गया है, s प्लस ds गया है, तो लेंथ कितनी हो गई dx प्लस ds, तो आप कह सकते हो कि नई वाली लेंथ है dx प्लस ds। आई होप आप समझ गए होंगे, पीछे वाला आगे आया s, आगे वाला भी आगे गया s, वापस वही लेंथ आगे dx, लेकिन ये s नहीं गया s प्लस ds गया, तो लेंथ बढ़ गई बेटा कितनी ds। मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम में कितना चेंज है, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम में ऑफ कोर्स कोई ना कोई चेंज है, एंड दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे ही फाइनल में से मैंने इनिशियल को माइनस किया ये adx adx कैंसिल एंड चेंज इन वॉल्यूम कम्स आउट टू बी a into ds। सर आखिर चाहते क्या हो, बड़ा मैं चाहता ये हूं, ये बताना चाहता हूं कि वो जो एयर कॉलम पहले ऐसे था अब उस एयर कॉलम का वॉल्यूम चेंज हो गया, और मैं आपको हल्का फुल्का सिखा चुका हूं कि जब भी वॉल्यूम चेंज होता है तो किसी प्रेशर चेंज के कारण होता है, प्रेशर का चेंज और वॉल्यूम का चेंज आपस में जिस इक्वेशन से रिलेट होते हैं दैट इक्वेशन इज गिवन बाय बल्क मॉडुलस। बेटा बल्क मॉडुलस भले ही हमें डिटेल में ना पता हो बट एटलीस्ट वी नो द फॉर्मूला, वी नो दैट कि वॉल्यूम का जो चेंज है वो इस कारण से आता है कि इस एयर का कोई ना कोई बल्क मॉडुलस रहा होगा, लेट्स से इसका बल्क मॉडुलस है बी, तो मैं कह सकता हूं बड़े इत्मीनान से बड़े प्यार से कि बल्क मॉडुलस इज चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, और मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस बल्क मॉडुलस इनटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो ऑफकोर्स प्रेशर में कोई ना कोई चेंज है, उल्टा भी कह सकते हो प्रेशर में कोई चेंज है तो वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज है, तो इसका मतलब यहां पर अब प्रेशर पी एटमोस्फेरिक नहीं है, प्रेशर पी एटमोस्फेरिक के अलावा कुछ है, और यह है आपका वो अलावा कुछ, ये है आपका वो प्रेशर का छोटा सा चेंज। आप कह सकते हो कि दिस इज माइनस बल्क मॉडुलस डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम दैट इज एडीएस, एक्चुअल वॉल्यूम दैट कम्स आउट टू बी ए टू डीएक्स। आपका बड़ा ये ए से ए कैंसिल हो गया, और आपका जो चेंज इन प्रेशर है प्यारे बच्चों
जो छोटा सा चेंज इन प्रेशर है वो आ गया है dp इज इक्वल्स टू माइनस बल्क मॉडुलस इनटू ds बाय dx। ये ऐसा फॉर्मूला है जो चाहो तो बड़ा आप लोग याद रख सकते हो, कभी काम आ सकता है, किसी अच्छे सवाल तक काम आ सकता है। दिस इज द चेंज इन प्रेशर, और इसी चेंज इन प्रेशर को बेटा हम लोग शुरुआत में क्या नाम देते आए थे कि साउंड बेटा अगर ऐसे ऐसे मीडियम पार्टिकल्स अगर रोटेट मूव करेंगे तो बेटा एयर के कॉलम्स की लेंथ बढ़ेगी घटेगी, उन लेंथ बढ़ने घटने के कारण प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, जो प्रेशर का घटना बढ़ना था उसी का हमने क्या नाम निकाल रखा था, एक्सेस प्रेशर। सो दिस इज अवर एक्सेस प्रेशर बेटा, दिस इज अवर एक्सेस प्रेशर। आप चाहो तो इसको स्मॉल पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस एक्सेस बेटा डीपी को मैं स्मॉल पी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एंड दैट इज माइनस बी टाइम्स डीएस बाई डीएक्स। ये लो बेटा, दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर, चाहो तो बेटा इसको भी याद रख सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर। हालांकि मैं इसको और भी आसान कर दूंगा, बट ये वाला फॉर्मूला ऐसा हो गया जो हो सकता है बेटा आपको कभी ना कभी काम आए। और ये बी क्या है बेटा, ये बी क्या है, ये बी ऑफ कोर्स इस फ्लूड का बल्क मॉडुलस है, इस फ्लूड का बल्क मॉडुलस है, एयर है तो एयर का बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह सवाल के अंदर अक्सर आपको दे रखा होगा। सो स्टिल यू कैन थिंक दैट कि आप ये वाला फॉर्मूला बेटा याद रख सकते हो, आपके काफी काम आ सकता है। हालांकि ये वाला फॉर्मूला ऑफकोर्स जेई मेन के एग्जाम में तो शायद ही कभी काम आए, लेकिन एडवांस में जरूर काम आ सकता है। जेई मेन के लिए सर क्या याद करना है देखते हैं। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन दे रखी हो, एस इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये बड़ा साउंड की इक्वेशन है, किन टर्म्स में, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो इससे बड़ा मैं एक्सेस प्रेशर बड़े आराम से निकाल सकता हूं कि एक्सेस प्रेशर इज माइनस जो भी मीडियम है उसका बल्क मॉडुलस इनटू डीएस बाय डीएक्स, दैट इज माइनस बी। हालांकि बड़ा डी की बजाय मुझे डेल यूज करना चाहिए। सर डेल क्यों यूज करना चाहिए, बिकॉज इस एक्सप्रेशन में टी भी वेरी कर रहा है और एक्स भी वेरी कर रहा है, और हमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करें और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो आप डीएस बाई डीएक्स को डेल एस बाई डेल एक्स भी लिख सकते हो। माइनस बी तो ठीक है, बी इज बल्क मॉडुलस ऑफ दिस एयर, डेल एस बाई डेल एक्स इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, अभी करते हैं। एस नॉट तो ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, चेन रूल में अंदर का डिफरेंशिएशन और करेंगे, ओमेगा टी तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, माइनस के बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वन, तो माइनस के बाहर आ जाएगा। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इक्वेशन। आई कैन से कि एक्सेस प्रेशर इज बी के एस नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। आपका जो एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन है वो ऐसी होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन ऐसी होगी तो आपके प्रेशर वेव की इक्वेशन ऐसी होगी। मेन बातें दो हैं, मेन बातें दो हैं, पहली तो ये कि ये आपका प्रेशर का एम्पलीट्यूड है, मैं इसको पी नॉट लिख रहा हूं, और इसको आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा प्लस पाई बाय टू। सोच लो बेटा ट्रिग्नोमेट्री सही लगाया मैंने, साइन 90 प्लस थीटा इज ऑफ कोर्स कॉस थीटा, बेटा इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। सर ये कन्वर्ट करके आप क्या बताना चाहते हो, बेटा मैं कन्वर्ट करके ये बताना चाहता हूं बेटा, मैं कन्वर्ट करके ये बताना चाहता हूं कि पहली बात कि आपका जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है दैट विल बी बी के एस नॉट, पहली बात तो ये है, बल्क मॉडुलस मीडियम का के ऑफ कोर्स बेटा आपका क्या बोलते हैं उसको एंगुलर वेव नंबर, और एस नॉट आपका डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, और दूसरी बात
आपकी जो प्रेशर वेव है वो डिस्प्लेसमेंट वेव के साथ सेम फेज में नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है? पाई बाई टू का, क्योंकि इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो ओमेगा टी केएक्स केएक्स थीटा का कैंसिल, ये आपका प्रेशर वेव जो है ये आपके डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई बाई टू आगे है। इसका ग्राफ अगर साइन जैसा होगा तो इसका ग्राफ कॉस जैसा होगा। तो आप कह सकते हो प्रेशर वेव इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव बाय ए फेज ऑफ पाई बाय टू। प्रेशर वेव जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई बाय टू आगे है। ये जो पाई बाय टू आगे है इसका क्या अर्थ है ये भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक बार कम से कम इक्वेशन से हल्की फुल्की दोस्ती तो करो। हमारे पास आ गया प्रेशर एम्पलीट्यूड इज बी के एस नॉट एंड प्रेशर वेव इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव बाय ए फेज ऑफ पाई बाय टू। डिस्प्लेसमेंट वेव का अगर ग्राफ साइन जैसा होगा तो प्रेशर वेव का ग्राफ कॉस जैसा होगा। ये हमें हल्का फुल्का आइडिया लग चुका है और ठीक है, बाकी बातें इस पर बिल्डअप करेंगे, इस पर हम सारी की सारी बातें बनाएंगे, कोई इतना भारी काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो बच्चों, एक सवाल करते हैं बेटा। एक सवाल करते हैं, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज एस इक्वल्स टू 5 माइक्रोमीटर साइन ऑफ 5 माइक्रोमीटर और जो एयर है जो मीडियम है उसका बल्क मॉडुलस भी हमें गिवन है 1.4 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब छोटे छोटे सवाल। पहला, फाइंड प्रेशर एम्पलीट्यूड, दूसरा इक्वेशन ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये दो सवाल है बेटा। अभी करते हैं। बड़ा ही प्रेशर एम्पलीट्यूड तो हमें बड़े आराम से लिखना आता है, पी नॉट इक्वल्स टू बी के एस नॉट। लिखाओ बेटा, बी कितना है? 1.4 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। के क्या बेटा? 4 यूनिट आप जानते ही हो, रेडियन पर मीटर। एस नॉट कितना है? 5 × 10^-6 मीटर। ओ 10^-1 बच जाएगा। हाँ बेटा, 2.8 आ गया होगा, मेरे पास आ गया 2.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आने थे बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एक्सेस प्रेशर है तो 2.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जहां पर अच्छा कंप्रेशन पल्स होगी वहां पर बेटा प्रेशर जो होगा वो पी एटमॉस्फेरिक प्लस 2.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया है। जहां पर तगड़ी रेयरफैक्शन पल्स होगी बेटा वहां पर प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक माइनस 2.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया है।
कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन लगातार चलता रहेगा और प्रेशर जो है एक्सेस प्रेशर जो है वो -2.8 से +2.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक लगातार वेरी होता रहेगा। अगला का मुझसे पूछा है कि इक्वेशन ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर बताओ। बताएंगे बेटा, या तो ऐसे कर दो, दैट इज माइनस बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स, या ऐसे बोल दो कि सर प्रेशर इज ऑफ कोर्स पी नॉट, यहां पर एस नॉट था यहां पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, बट यहां पर ओमेगा टी माइनस के एक्स था तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय टू। ये पाई बाय टू नहीं लगाना चाहो तो अगर यहां पर साइन है तो यहां पर कॉस लगा दो, एक ही बात है। तो आप कह सकते हो कि प्रेशर का एम्पलीट्यूड आ गया है मेरे पास 2.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर साइन ऑफ 1200 टी माइनस 4x प्लस पाई बाय टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर, या फिर बेटा तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 2.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ। लो बेटा, और अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया होता तब भी बेटा आपका आंसर यही आता, हमने इसका आंसर को पहले से याद भी कर लिया था, तो इसलिए हमारा काफी सारा काम तो सिर्फ और सिर्फ याद करने से ही बन गया। आई होप इट्स ओके, आगे चलिए बच्चों। आगे चलिए बेटा, तो हम मेरे ख्याल से बेटा प्रेशर की इक्वेशंस वगैरह तो समझ गए हैं। अब चलो एक छोटा सा मैं तुम्हें हल्का फुल्का फील भी कराता हूं कि एग्जैक्टली इक्वेशंस कह क्या रही है, है ना। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी हद तक बातें समझ गए हो क्योंकि डेरिवेशन भी तो अपन लोगों ने की थी, बट सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ साउंड वेव जो है वो मुझे ऐसे दे रखी है कि एस इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर की इक्वेशन आ जाएगी पी नॉट, या तो बड़ा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लिख दो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बड़ा, दैट इज माइनस बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स, ऐसे कर सकते हो बेटा। तो आप कह सकते हो कि सर माइनस बी तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, अभी कर सकते डिफरेंशिएट। एस नॉट तो ठीक है, के बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, ऐसे भी देख सकते हो। जब भी कंफ्यूजन हो आप ऐसे डेल एस बाय डेल एक्स यूज कर सकते हो। आई होप इट्स ओके, चलेगा बड़ा लगा ये आपके पास बड़ा। मान लीजिए कि टी इज इक्वल्स टू जीरो पर मैं कहूं कि बड़ा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पॉइंट के क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर दैट इज एस इक्वल्स टू एस नॉट साइन के एक्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि t इज इक्वल्स टू जीरो पर मीडियम पार्टिकल्स का कितना कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं उसका ग्राफ बनाता हूं। बड़ा ग्राफ कैसा बनेगा, साइन एक्स ऐसा ग्राफ बनेगा, x इक्वल्स टू जीरो वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फिर किसी किसी का ज्यादा किसी का कम, ये ग्राफ है ऐसे। बड़ा ग्राफ में मैंने ऐसे y में दिखा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा पार्टिकल y में मूव कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें फिजिकली समझाता हूं, साउंड यूं जा रही है तो मीडियम पार्टिकल्स ऐसे से मूव करेंगे, x इक्वल्स टू जीरो वाले का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब ये यही बड़ा है, इससे थोड़े से आगे वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है पॉजिटिव,
तो इसका मतलब नहीं कि पार्टिकल ऊपर चला गया, ये कोई ट्रांसवर्स वेव थोड़ी कि डिस्टर्बेंस यूं जाएगी पार्टिकल जाएंगे बेटा, ये तो यूं जाएंगे। तो ये वाला जो पार्टिकल होगा इसका डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये वाला पार्टिकल जो यहां पर था ये अब यहां नहीं है, आगे चला गया, यहां कहीं पहुंच गया। इसके इधर वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब कि नीचे चला गया। नेगेटिव का मतलब है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये यहां से इधर चला गया। तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पर आप ऐसा कह सकते हो कि ये वाला पार्टिकल तो वहीं है लेकिन इसके राइट वाला पार्टिकल राइट चला गया और लेफ्ट वाला पार्टिकल लेफ्ट चला गया। फिर सर ये ऊपर नीचे, ये तो ग्राफ है बेटा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कम है इसका ज्यादा, ये दिखाने वाले ग्राफ है। एक्चुअली पार्टिकल वाई डायरेक्शन में गए, एक्चुअली पार्टिकल बेटा ऐसे एक्स एक्स के अलोंग गए। इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि जरा यहां पर देखो, ये वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब ये तो कहीं नहीं गया। लेकिन इसके लेफ्ट वाले जो पार्टिकल हैं इनका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके लेफ्ट वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ऊपर नहीं गया है ये वाला पार्टिकल, इधर चला गया है। इसी तरह इसके राइट वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव है इस बात का मतलब है कि इधर वाला जो पार्टिकल है बेटा ये नेगेटिव डायरेक्शन में यूं आ गया, ऐसे आ गया। आई होप डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ था इसका इन्फ्रेंस तुम समझ गए कि एक्चुअली पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं। ग्राफ बेटा ऐसे वाई और एक्स में दिखा रखा है, इसका मतलब कि पार्टिकल वाई में जाएगा। जैसे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाला पार्टिकल इधर सबसे ज्यादा गया है, यूनिक ही ऊपर चला गया, ये तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ। अच्छा, इसी टी इज इक्वल्स टू जीरो पर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्सेस प्रेशर का अगर कोई मुझसे एक्स के साथ ग्राफ पूछेगा तो आप बोलोगे सर टी इज इक्वल्स टू जीरो पर प्रेशर की इक्वेशन होगी। बेटा देखना एक्स को जीरो पुट करना, बेटा कॉस माइनस थीटा तो कॉस, सॉरी टी इक्वल टू जीरो पुट करना तो ये तो निपट गया, मेरे पास आ गया माइनस बी के एस नॉट कॉस के एक्स। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर प्रेशर जो है वो अलग अलग एक्स पर इस इक्वेशन से आएगा। क्या हम ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल। कैसा ग्राफ बनेगा? अरे भाई माइनस कॉस थीटा जैसा ग्राफ बनेगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा है, आई रियली होप आपको हल्का फुल्का बड़ा प्रेशर का तो ग्राफ, सॉरी माइनस कॉस का ग्राफ तो बनाना आता ही होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट विल बी लाइक दिस, ऐसा सा बड़ा ग्राफ, ऐसा सा बड़ा ग्राफ है। अब देखना इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन लेफ्ट वाला पार्टिकल लेफ्ट चला गया है, राइट वाला पार्टिकल राइट चला गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिकल्स यू दूर हो गए। और अगर इस इंस्टेंट पर x इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल्स यू दूर हो गए हैं तो यहां पर अचानक से एक रेयर फैक्शन पल्स है, और अगर यहां पर बड़ा रेयर फैक्शन पल्स है तो यहां पर जो प्रेशर है वो पी एटमोस्फेरिक से कम होनी चाहिए। और तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल, यहां पर इस एक्स इक्वल्स टू जीरो वाले पॉइंट पर प्रेशर जो है वो पी एटमोस्फियर से माइनस बी के एस नॉट कम है। ठीक है, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को अगर देखो तो इसके राइट वाला पार्टिकल लेफ्ट आ गया है, लेफ्ट वाला पार्टिकल राइट आ गया है। यहां पर अचानक से पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ गई है, यहां पर अचानक से पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ गई है तो अचानक से प्रेशर बढ़ गया है, अचानक से प्रेशर बढ़ गया तो कह सकता हूं कि यहां पर मेरे पास एक कंप्रेशन का पल्स है। बेटा कंप्रेशन का पल्स है, इसमें यहां पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, यहां पर प्रेशर मैक्सिमम है, यहां पर मेरा प्रेशर मैक्सिमम कितना है पी एटमोस्फेरिक प्लस बी के एस नॉट है, ये जो बी के एस नॉट है बेटा ये आपका मैक्सिमम प्रेशर है। तो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट भले ही जीरो हो लेकिन ये वाला पार्टिकल इधर आ गया, ये वाला पार्टिकल इधर आ गया, इस कारण से यहां पर आपका प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट के कारण कैसे किसी पॉइंट पर प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है और कैसे किसी पॉइंट पर प्रेशर अचानक से घट जाता है, ये बात हम बड़े आराम से इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर प्रेशर हो गया पी एटमोस्फेरिक प्लस बी के एस नॉट, इस पॉइंट पर बड़ा प्रेशर हो गया पी एटमोस्फेरिक माइनस बी के एस नॉट, यहां पर पी एटमोस्फेरिक प्लस बी के एस नॉट, यहां पर प्रेशर पी एटमोस्फेरिक माइनस बी के एस नॉट। सिंपल, आई नो दैट इट इज वेरी टफ बट आई स्टिल होप कि आप लोगों को बड़ा समझ में तो आएगा। तो
तो इस तरह से आप बड़े आराम से जज कर सकते हो कि कैसे कैसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड इस बात की पूरी बात को फील लेना कोई बहुत इतना टफ टास्क है भी तो नहीं, डुएबल है सारा का सारा, करने लायक काम है सारा का सारा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपके प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट्स रिलेटेड हैं और इनके बीच की इक्वेशन आप जरूर याद रखें, काम आएगी बेटा। और इस पर जो सवाल मैंने आपको कराया है दैट इज मोर देन एनफ, बट फिर भी कभी आप किसी एडवांस्ड के सवाल के अंदर फंस जाओ प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने में, तो बेसिक इक्वेशन यूज करें कि एक्सेस प्रेशर इज माइनस बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स। बाकी जो मैंने आपको दोनों पॉइंट लिखाया है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड इज बी के एस नॉट और प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होगा, इन दो बातों से हमारा काफी हद तक काम बन जाएगा। ठीक, काफी हद तक बन जाएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। सुनिए बेटा, हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर वेव की जो वेलोसिटी थी, बड़ा याद कीजिए, ऊपर टेंशन था और नीचे म्यू था, मास पर यूनिट लेंथ थी। ऊपर जो टेंशन थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी मीडियम की एक तरह से इलास्टिसिटी, और जो डिनोमिनेटर था वो रिप्रेजेंट कर रहा था एक तरह से मीडियम का इनर्शिया। मीडियम जितना ज्यादा इलास्टिक होगा फोर्सेस को उतना ही रैपिडली आगे ट्रांसमिट कर सकता है, ऑफ कोर्स वेव उतनी ही स्पीडली आगे जाएगी। मीडियम का इनर्शिया जितना ज्यादा होगा मीडियम के पार्टिकल्स को बेटा एक दूसरे को डिस्टर्बेंस देना उतना ही मुश्किल होगा और वेव की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर बेटा हम वेलोसिटी ऑफ वेव का यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। मैं उसको डिराइव भी करूंगा लेकिन फॉर्मूला लिख रहे हैं। फ्लूइड्स के अंदर मीडियम की जो इलास्टिसिटी है वो डिसाइड करती है बल्क मॉडुलस। कौन डिसाइड करती है? बल्क मॉडुलस। और मीडियम का इनर्शिया हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो मतलब मीडियम की डेंसिटी। तो जितने भी आपके फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस, उनमें आप ऊपर तो बेटा बल्क मॉडुलस लिखें मीडियम का और नीचे डेंसिटी ऑफ मीडियम लिखें, डेंसिटी ऑफ मीडियम लिखें किसमें? फ्लूइड्स, बड़ा फ्लूइड्स मतलब गैसेस एंड लिक्विड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स। फेयर एनफ। इसी तरह से अगर सॉलिड हो, सर सॉलिड के अंदर साउंड जा सकती है क्या? बड़ा बिल्कुल जा सकती है। बड़ा मान लीजिए आपके पास स्टील की कोई रॉड है और आप यहां से बड़ा ऐसे हल्का सा ऐसे एक ऐसे वेव क्रिएट करते हो, तो ये वाले पार्टिकल्स यूं ऑसिलेट करेंगे, फिर ये अगलों को ऑसिलेट करेंगे, तो ये ऑसिलेशन यहां पहुंच जाएंगे, वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सॉलिड्स के अंदर बल्क मॉडुलस को हम रिप्लेस कर देंगे। सॉलिड्स की इलास्टिसिटी डिसाइड करती है एक टर्म जिसे हम नाम देंगे यंग्स मॉडुलस। क्या नाम देंगे बेटा? यंग्स मॉडुलस। घबराने की जरूरत नहीं है, एक जैसे से टर्म्स हैं, ये सामान में दे रखे होते हैं। डिवाइड बाई ऑफ कोर्स सॉलिड की डेंसिटी। तो आप कह सकते हो वाई क्या है? वाई बेटा जैसे लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस की टर्म थी, सॉलिड्स के लिए बिल्कुल वैसे के वैसे, काफी हद तक वैसे के वैसे एक टर्म डिफाइन कर रखी होती है, दैट टर्म इज नोन एज अवर यंग्स मॉडुलस। तो आप कह सकते हो कि ऊपर तो है आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम बड़ा? किसके लिए डिफाइंड है? सॉलिड मीडियम।
ऑफ कोर्स डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड मीडियम। जैसे बेटा एक सवाल कीजिए, मैं ऐसे एक्चुअल वैल्यूज लेने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ बेटा, एक मिनट बेटा, मुझे वैल्यूज तो मैं बड़ा ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, वैल्यूज ढूंढने में टाइम लग रहा है। एक सवाल लिखिए, ए सॉलिड हैज ए यंग्स मॉडुलस 4×10^13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and density सिक्सटीन थाउजेंड केजी पर मेट्रिक क्यूब। फाइंड स्पीड ऑफ longitudinal wave in this solid। बेटा इस सॉलिड के अंदर longitudinal wave की वेलोसिटी क्या होगी? longitudinal wave की वेलोसिटी या फिर साउंड की वेलोसिटी, एक ही बात है बेटा। साउंड की या longitudinal wave की वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन रो। बेटा यंग्स मॉडुलस है 4×10^13 ऑफकोर्स एस आई यूनिट, और डेंसिटी बेटा कितनी, 16×10^3। बड़ा ये 10^3 तो 10^10 आ गया, बड़ा 4/60 कितना हो गया, 1/4। बड़ा मेरे ख्याल से 1/4 का रूट तो कितना आ गया, 1/2×10^5 मीटर पर सेकेंड। बड़ा कितना आ गया, 5×10^4 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा साउंड की वेलोसिटी है किसके अंदर, इस सॉलिड के अंदर जिसका यंग्स मॉडुलस ये और डेंसिटी ये। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं एक छोटी सी डेरिवेशन भी कर रहा हूं बेटा, जिसके अंदर मैं ये वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रूव कर रहा हूं। मैं पहले ही बोल देता हूं इस बात को कि ये डेरिवेशन सबके लिए नहीं है बेटा, ठीक है। जिन लोगों को बहुत ही गहराई से बात जाननी हो कि एक्चुअली साउंड कैसे प्रोपगेट हो रही है, कैसे मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें अगर वो सोच रहे हो तो ही बड़ा डेरिवेशन देखें। अदरवाइज बड़ा आप नियरली 5-10 मिनट आगे खिसका सकते हो, और डेरिवेशन करने के बाद भी रिजल्ट तो यही आएगा। ऐसा तो है कि मैं कोई नया रिजल्ट ले आऊँगा, रिजल्ट तो ये आएगा, सवाल तो बिल्कुल वैसे के वैसे होंगे। तो इट्स योर चॉइस, है ना। आप अगर लगता हो कि इसे मुझे तो बहुत डिटेल में किसी बात को जानना पहचानना है, साउंड को बहुत ही बड़ा तरीके से फील करना है, और मेरी मैथमेटिक्स बढ़िया है, मेरी इमेजिनेशन बढ़िया है, तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज 10 मिनट आप आगे खिसका सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। एक छोटी सी डेरिवेशन है, मैथमेटिकली टफ है बट सुनिएगा। आपके पास बेटा ये कोई साउंड का सोर्स, ईजीएस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस मैंने ट्यूनिंग फोर को बोल दिया। सामने बेटा एयर है, हर तरफ ही एयर है। मैंने एयर के अंदर इमेजिन किया कि ऐसे एक एयर का कॉलम है, एक्चुअल में ऐसा कोई सिलेंडर पड़ा नहीं बेटा, ऐसा
मैंने ऐसे इमेजिन करने के लिए ऐसे एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मान लिया कि इसके अंदर के एयर को अपन स्टडी करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। फेयर इनफ। यहां से एक्स डिस्टेंस दूर से लेकर एक्स प्लस डीएक्स डिस्टेंस दूर तक इसके अंदर जो एयर है मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूं। ये छोटी सी थिकनेस है, दिस इज डीएक्स। ऑफ कोर्स हर जगह एयर है तो इसके अंदर भी एयर है, दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर। रो जो है बड़ा वो डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क यूं ही ऑसिलेट करेगा तो ऑफ कोर्स इसके अंदर की जो एयर होगी वो भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, हर मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। सर ऑसिलेट करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो किसी फोर्स के कारण तो आएगा। तो सर अगर मान लो ट्यूनिंग फोर्क ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो ये वाली एयर भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन तो किसी फोर्स के कारण होगा। सर फोर्स कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से फोर्स हो सकता है कौन, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर इस एयर कॉलम के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ से फोर्स बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर फोर्स बराबर होते तो ऑफ कोर्स ये वाला एयर कॉलम पर एक्सेलरेशन जीरो होता, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होता तो ट्यूनिंग फोर्क के ऑसिलेट करने पर ये वाली एयर कॉलम ऑसिलेट क्यों करती? समझ रहे इस बात को? ट्यूनिंग फोर्क यूं ऑसिलेट कर रही है तो ये आपके पास तो छोटा सा एयर का कॉलम है ये भी तो ऑसिलेट करेगा, और ये ऑसिलेट सिर्फ तब करेगा जब इस पर कोई ना कोई फोर्सेस लगेंगे। फोर्सेस तो तभी लगेंगे जब इस तरफ फोर्स और इस तरफ फोर्स डिफरेंट हो, और वो फोर्स डिफरेंट क्यों है तुम हल्का फुल्का जानते हो, क्योंकि तुम कहोगे कि सर यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर बराबर नहीं है, क्योंकि अलग अलग एक्स पर प्रेशर हल्के हल्के अलग अलग है, हल्के हल्के अलग अलग है। सुनना, लेफ्ट साइड में एक्स डिस्टेंस पर एक्सेस प्रेशर अगर पी है तो एक्स प्लस डीएक्स पर आपका एक्सेस प्रेशर है पी प्लस डीपी। मैं फिर से बोलता हूं, एक्स डिस्टेंस पर एक्सेस प्रेशर पी है तो एक्स प्लस डीएक्स डिस्टेंस पर प्रेशर पी प्लस डीपी है। ऑफ कोर्स थोड़े से एक्स चेंज होने पर एक्सेस प्रेशर थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, वो जो छोटा सा चेंज है डीपी। एक्चुअल प्रेशर अगर निकालना हो तो दोनों तरफ पी एटीएम ऐड कर दो, और अगर फोर्सेस देखने हो तो आप कह दो कि सर मल्टीप्लाइड विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इधर से फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इधर से फोर्स। एंड एज यू कैन सी दैट कि दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपसे पूछूं कि इस छोटे से एयर कॉलम पर नेट फोर्स कितना आ गया? आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स, और कुल मिलाकर मेरे पास नेट फोर्स आ गया है। बड़ा बोलना, इधर प्लस लिख रहा हूं इधर माइनस, पी एटीएम प्लस एक्स डिस्टेंस पर एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया माइनस पी एटमोस्फेरिक प्लस एक्स प्लस डीएक्स डिस्टेंस पर एक्सेस प्रेशर दैट इज पी प्लस डीपी इंटू एरिया। कुल मिलाकर बड़ा ये पी एटीएम इंटू ए पी इंटू ए कैंसिल, मेरे पास नेट फोर्स आ गया माइनस डीपी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बढ़िया लिखा था। एंड नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर काश इस पर मास लिख पाते हैं, लिख देंगे एयर की डेंसिटी इंटू ये वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस इज डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? यू नो इट वेरी वेल कि जैसे ही आपके ये वाले ट्यूनिंग फोर्क यूं ऑसिलेट करेंगे ये वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा, और अगर ये वाला पार्टिकल अगर ऑसिलेट करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा एस, और अगर डिस्प्लेसमेंट अगर एस होगा तो इस छोटे से एलिमेंट का एक्सेलरेशन होगा डेल टू एस अपॉन डेल टी स्क्वायर। क्या होगा? डेल टू एस अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो दिस इज द मास मल्टीप्लाइड बाई, जैसे ट्यूनिंग फोर्क ऑसिलेट करेगा ये वाले मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर एस होगा तो एक्सेलरेशन, वी नो इट वेरी वेल कि दैट इज डेल टू एस अपॉन डेल टी स्क्वायर।
टी से सॉरी ए से ए कैंसिल और मेरे पास कितनी प्यारी सी इक्वेशन आ गई, मैं साइड में लिख लूं उसको, माइनस डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रो इंटू डेल टू एस अपॉन डेल टी स्क्वायर। घबराओ नहीं बेटा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, हालांकि आखिर में आंसर वही आएगा, कुछ भी हो जाए। अभी करते हैं, अभी करते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की चलो इक्वेशन लिखते हैं। अरे यार यहाँ नहीं, उधर लिखता हूँ, यहाँ पर तो सॉल्व करके लिखेंगे। बड़ा ट्रेवलिंग वेव जा रही है, उसकी एक जनरल इक्वेशन लिख दो, एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अभी लिखते हैं बड़ा, मुझे डेल टू एस अपॉन डेल टी स्क्वायर चाहिए, डेल टू एस अपॉन डेल टी स्क्वायर, मतलब इस एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस एस नॉट साइन वापस से बड़ा आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, लेकिन जब चेन रूल लगाओगे तो ओमेगा दो बार बाहर आएगा, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। चलो ये तो हो गया, मुझे डीपी बाई डी एक्स में चाहिए। अबे डीपी बाई डी एक्स में बात की बात है, पहले पी तो लिख, तुमको सर पी लिख देंगे, अगर एस ये है तो पी हम लिख सकते हैं बेटा क्या, बी के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। सर मुझे पी नहीं लिखना, मुझे डीपी बाई डी एक्स चाहिए। बेटा डीपी बाई डी एक्स बोलो या डेल पी बाई डेल एक्स बोलो, वो एक ही बात है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर डीपी बाई डी एक्स इज, सॉरी डी एक्स लिखो डेल एक्स लिखो, क्या फर्क पड़ता है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अभी करते हैं, बी ठीक है, के ठीक है, एस नॉट ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, डिफरेंशिएशन है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो माइनस के भी बार आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों कर दिए, वैल्यूज रखनी है, लिखवा बेटा लिखवा, पहले माइनस डीपी बाई डी एक्स बेटा माइनस बी के स्क्वायर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू रो टाइम्स डेल टू एस अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस एस नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। बेटा ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एस नॉट से एस नॉट कैंसिल, बेटा मेरे ख्याल से आ गया है बी इंटू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर, और मेरे पास आ गया बी बाई रो इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, के बेटा आपका ओमेगा अपॉन वी हुआ करता था, मतलब वी मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर इज बल्क मॉडुलस अपॉन रो, एंड द लास्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ एनी लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन रो। मैं मानता हूं कि डेरिवेशन थोड़ी सी टफर साइड की थी, बट हो सकता है कि इसी डेरिवेशन के बहाने कोई अच्छा बच्चा जो ऑफ कोर्स बेटा ठीक है ना, एटलीस्ट 2000-3000 रैंक अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी या फिर टारगेट कर रहा हूँ, तो उसे तो हर चीज़ ढंग से जाननी होती है, उसे तो हर माइन्यूट बात जाननी होती है ना, उसे तो पता है कोई ना कोई इक्का दुक्का सवाल ऐसा आएगा जो है ना बिल्कुल एकदम एकदम मतलब हर बात पूछता है वो वाला सवाल, तो उसे तो हर बात जाननी है, तो वो वाला बच्चा थोड़ा ठीक है, पूरी डेरिवेशन बढ़िया से देखे समझे और ऑफ कोर्स वो तो मैनेज कर ही लेगा, उसे तो क्या दिक्कत है। आई होप इट्स ओके बेटा, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया है अंडर रूट ऑफ डी बाई रो, सॉलिड्स होगा तो अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो, वी मतलब उस गैस का बल्क मॉडुलस, उस लिक्विड का बल्क मॉडुलस, और बड़ा ऑफ कोर्स रो तुम जानते हो, या वाई है बड़ा आपका यंग्स मॉडुलस, ठीक है बड़ा आगे चलते हैं बड़ा,
नेक्स्ट इज हाँ बेटा एक छोटा सा सवाल करो, वैल्यूज काफी मैं रियलिस्टिक ले रहा हूं, एक छोटा सा सवाल कीजिए बेटा, चिन्ना मिन्ना सा सवाल है, एक सवाल कीजिए। सवाल है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। बड़ा अच्छी खासी स्पीड ऑफ साउंड बेटा वेव के अंदर, एग्जैक्टली बेटा मेरे ख्याल से 1480 या 1475 के आसपास आती है, मैंने कैलकुलेशन आसान हो इसलिए बेटा मैंने 1500 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑफ कोर्स, बड़ा वाटर की डेंसिटी सुन रखी है ना, 1000 केजी पर मीट्रिक क्यूब। देन फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, बड़ा वाटर की बल्क मॉडुलस निकालो, बड़ा वाटर की बल्क मॉडुलस निकालो। ठीक है बेटा कर लिया होगा, अब फॉर्मूला बेस्ड तो सवाल था बेटा, कुछ खास तो इसमें था नहीं, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर सिर्फ उसे वैल्यूज ही रखनी है आपको, कौन सा बड़ा काम है बताइए। स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन रो, वी दे रखा है रो दे रखा है बी पूछा है, आप कह सकते हो कि बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू रो इंटू वी स्क्वायर, व्हाट इज रो, रो इज 1000, स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 1500 का स्क्वायर, ऑफकोर्स सारी सारी चीजें एस आई यूनिट में है, आप बड़ा पहले देख चुके हैं कि बल्क मॉडुलस की यूनिट पिछले सवाल में देख चुके हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है, बाकी ना देख रखा हो थोड़ा वापस से ढंग से यूनिट लिख दो, ये आएगी और क्या है 1000, ठीक 15 का स्क्वायर तो कितना हो गया 225, 100 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 10^4, थोड़ा मेरे पास आंसर आ गया 225 इंटू 10^7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 7 ही है ना, ये बेटा 2.25 इंटू 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, काफी रियलिस्टिक सी वैल्यूज है बेटा, ठीक है हल्की फुल्की मैंने वैल्यूज वेरी जरूर कराई है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए इसलिए ना, एक छोटी सी कैलकुलेशन और करो है बिल्कुल आपके लायक है, बिल्कुल ऐसे जोड़ बाय गुणा भाग की इक्वेशन। हाँ बेटा सवाल है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, बड़ा 330 ले लो, इज 330 मीटर पर सेकेंड एंड बल्क मॉडुलस ऑफ एयर इज बी इक्वल्स टू, हाँ बेटा B is equals to 1.4 into 10^5 Newton per meter square. Find density of air. बड़ा air की density बताओ. ठीक है अच्छा. बड़ा air की density बताओ. Simple सा ये सवाल पूछा बेटा. और अगेन मैंने ये वैल्यूज काफी हद तक ना रियलिस्टिक लिया, थोड़ी बहुत तो बड़ा ठीक है ऊंच नहीं चलती है, मैंने काफी हद तक है ना रियलिस्टिक सी वैल्यूज ली, कीजिए बेटा सॉल्व इसको।
हाँ कर लिया बड़ा. वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन वी स्क्वायर इज बी बाय रो. सो रो इज ऑफ कोर्स बल्क मॉडुलस अपॉन वी स्क्वायर. बड़ा वैल्यूज रखना एक बार. 1.4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 5 डिवाइड बाय बड़ा वी का स्क्वायर दैट इज 330 इंटू 330 दैट इज 1.4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 3 बड़ा करना कितना करता है एक बार. बड़ा 1.29 के आसपास आ गया होगा. 1.29 केजी पर मीट्रिक क्यूब बड़ा ही आ गया. बड़ा अगर हम गूगल पे चेक करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एयर की डेंसिटी क्या होती है तो बड़ा वैल्यू जो है वो 1.293 दे रखी होती है. 1.293 केजी पर मीटर क्यूब दे रखी होती है. तो मैंने जो वैल्यूज है वो काफ़ी हद तक जो रियलिस्टिक वैल्यूज थी बड़ा वही ली और इससे डेंसिटी एयर की वही आ गई जो गूगल में दे रखी थी. ऑफकोर्स इसका मतलब बड़ा वैल्यूज जो है वो काफ़ी रियलिस्टिक से वैल्यूज हैं डिफरेंट वैल्यूज नहीं है. सो स्पीड ऑफ साउंड आप बड़े आराम से बल्क मॉडुलस अपॉन रो लिख सकते हो. और तो और बड़ा इसको रिलेट हमेशा ऐसे रखो कि जैसे अपने पास स्ट्रिंग के अंदर रूट टी बाय म्यू था ना मोर और लेस है तो ये कहानी ना. म्यू बता रहा था इनर्शिया यहाँ पर रो बता रहा है इनर्शिया. वहां पर टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा था इलास्टिसिटी को यहाँ पर बल्क मॉडुलस रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी को. टेंशन जितनी ज्यादा हुआ करती थी डिस्टर्बेंस उतनी ही फास्टली आगे ट्रांसफर हो सकती थी और वेलोसिटी वेव उतनी ही ज्यादा. इस बार किसी भी मीडियम का बल्क मॉडुलस अगर ज्यादा होगा तो डिस्टरबेंस आगे उतनी फास्टली जाएगी और मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स मीडियम पार्टिकल्स उतनी ही लेट रेस्पॉन्ड करेंगे और वेलोसिटी ऑफ वेव उतनी ही कम होगी. सो ये चीजें आपस में काफी हद तक रिलेटेड सी हैं. ऐसे ही फॉर्मूले बड़ा बार बार लगातार बनते भी रहते हैं. तो फॉर्मूले जो है वो मोर और लेस बड़ा काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है आई होप इट्स ओके. चलिए बड़ा इस बात पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं. बड़ा पहले तो ना जो भी आपकी वेव ऑन स्ट्रिंग की शीट थी इसेंशियल वो तो मैं मान के चल रहा हूं कि बड़ा सारी की सारी हो गई है. जैसे जैसे आपको टाइम मिले आप वैसे वैसे लगातार एक्स्ट्रा एज करते रहें वेव ऑन स्ट्रिंग के. साउंड वेव्स के अंदर साउंड वेव्स की जो शीट है उसकी एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में इवन पार्ट 2 में आप सेक्शन ए निपटा सकते हो. सेक्शन ए में मोस्टली बेटा ठीक है ऐसे छोटे मोटे फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड के इस तरीके से सवाल है वो आप निपटा सकते हो. ठीक है उसके अलावा बेटा अगर आपको ऐसे एच सी में से अगर हल्का फुल्का भी ऐसे पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकते हो. पढ़ने के लिए आप बेटा पेज नंबर 16 है साउंड वेव्स एचसीवी के अंदर. चैप्टर नंबर 16 है साउंड वेव्स का एचसीवी के अंदर. अगर रीड करने का मन हो तो कर सकते हो. यू कैन रीड फ्रॉम पेज नंबर 329 एचसीवी पार्ट 1 में पेज नंबर 329 से लेकर आप चाहो तो बेटा 333 तक रीड कर सकते हो. मस्ट नहीं है बेटा मैंने मोस्टली बातें बताई दी हैं. बस 333 पेज वाली नहीं बताई है वो ऑफकोर्स अगली क्लास में बता देंगे. बस तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे तो हल्की फुल्की सहूलियत तो हो ही जाएगी. बाकी इसके अलावा आप इसकी एक्सरसाइज में बहुत ही छोटे मोटे चिन्ने मिलने से सवाल हैं आप चाहो तो कर सकते हो.
आप बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से 8 कर सकते हो एचसीवी की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में से, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सारे सवाल बेटा वही, या तो पी नॉट इज इक्वल्स टू बी के एस नॉट, या वही एम्पलीट्यूड वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी, इनके सवाल हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस बार में, ठीक है। तो इतना सा होमवर्क है, वेव ऑन स्ट्रिंग की एक्स्ट्रा एज धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समय मिले करते रहे, ठीक है।